हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन तिवारी एक बार फिर से दक्षम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में सभी अपने मित्रों और दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान में, जैसे हम लोग ने भारतीय संविधान का भी हम लोगों ने उपराष्ट्रपति पद लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के माध्यम से समाप्त किया है, उसी तरीके से हम लोग भारतीय संविधान का एक सबसे बड़ा टॉपिक अपने में होता है राष्ट्रपति। इस राष्ट्रपति टॉपिक को भी हम लोग कई एक या दो या तीन लेक्चर में हम लोग उसको क्या करेंगे, पूर्ण रूप से क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। अभी हम लोग राष्ट्रपति चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, लेक्चर 1 के लेवल को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर 1 के लेवल पे हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं, उन इन आर्टिकल्सों के बारे में एक एक के बारे में हम लोग उसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारियां हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति की, जैसे कि और देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है। क्या होता है बेटा? भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, ऐसा कभी क्वेश्चन लिख के आएगा, हम टिक किसको लगा के आएंगे, भारत के राष्ट्रपति को लगा के आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो कोई आप लोगों से पूछे कि राष्ट्रपति जो होता है भारत का क्या होता है, बेटा प्रथम नागरिक होता है, ठीक। इसी के साथ साथ एक नई चीज ध्यान रखिएगा कि भारत एक कैसा देश है, गणतांत्रिक देश है। कैसा देश है? गणतंत्र देश है। और जो भी देश गणतंत्र देश होते हैं, ध्यान रखिएगा, उन देशों में राष्ट्र प्रमुख का क्या क्या होता है, चुनाव होता है। बहुत बहुत पॉइंट वाली बात है। कोई कहीं कभी क्या दिखते हैं गणतांत्रिक देश, इस गणतांत्रिक का अर्थ क्या होता है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले लॉजिक वाली बात समझते हैं हम लोग। जिन देशों में राष्ट्र प्रमुख बोले तो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाए, चुनाव के माध्यम से चुना जाए, नियुक्त किया जाए, उसी को हम लोग कहते हैं गणतांत्रिक देश। जैसे अमेरिका का नाम सबने सुन रखा होगा, कैसा देश है, गणतांत्रिक देश है। डोनाल्ड ट्रंप जी प्रेजेंट टाइम में वहां के क्या है, राष्ट्रपति हैं। भारत भी कैसा देश है, गणतांत्रिक देश है। इसी नाते यहाँ पर भारत में क्या होता है बेटा, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ब्रिटेन कैसा देश है भैया, तो गणतांत्रिक देश नहीं है, इसीलिए वहां ध्यान रखिएगा क्राउन चुना जाता है, राजा चुना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अभी हाल में कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा होगा कि नेपाल में पहले राजा चुना जाता था, लेकिन आज वर्तमान वो कैसा देश हो गया, गणतांत्रिक देश हो गया, इसी का वहां पर राष्ट्रपति बनने लगा है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो इस क्लियर हो गई होगी कि गणतंत्र की परिभाषा क्या होती है, जिस देश में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होता है, राष्ट्रपति चुना जाता है, वही देश क्या कहलाता है, गणतांत्रिक देश कहलाता है। क्लियर हो गया वो सबको, ध्यान रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रपति एक ऐसा हमारे यहाँ का पद है जो शासन के तीनों अंगों से संबंध रखता है। शासन के तीन अंग कौन कौन से होते हैं, तो शासन के तीन अंग में पहला पद होता है विधायिका का, दूसरा होता है कार्यपालिका का, और तीसरा होता है न्यायपालिका का। विधायिका किसे कहते हैं, सबसे पहली चीज ये, जहां विधायिका को पढ़ते हैं विधि, विधि का अर्थ होता है जहां पर कानून का निर्माण होता है, उसी को कहते हैं विधायिका। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, संसद की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो विधायिका का अर्थ क्या हुआ, जहां पर कानून का निर्माण होता है उसी को कहते हैं विधायिका। सर कार्यपालिका क्या होती है, जहां पर बने हुए कानूनों को ये देखा जाता है ये कानून ठीक तरीके से देश में लागू हो सकता है नहीं हो सकता है, ये पूरा का पूरा कार्य कौन करता है, कार्यपालिका करती है। अब आते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है यदि किसी भी स्थिति में किसी भी कानून का उल्लंघन हो, किसी भी स्थिति में किसी भी कानून का उल्लंघन होता है, तो उस उल्लंघित कानून में को जो व्यक्ति उस कानून का उल्लंघन कर रहा है उसे दंड देने का कार्य कौन करती है, न्यायपालिका। तो तीनों में आपको बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे, जहां कानून निर्माण हो विधायिका, जहां पर बने हुए कानून को ये देखा जाए ये कानून देश के लिए सही है गलत है कौन करेगा, कार्यपालिका। यदि उस कानून का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता उसे दंड देने का करती कौन करती, न्यायपालिका। क्लियर हो गया होगा तीनों चीजों में, ठीक। यहीं से एक नया पॉइंट समझते हैं, विधायिका के अंग के रूप में हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का अंग होता है। विधायिका के अंग के रूप में राष्ट्रपति संसद का एक अंग होता है। आपके यहां एक क्वेश्चन आता है, संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा दूसरा होता है लोकसभा। लेकिन संसद के कितने अंग होते हैं, तो जब अंग शब्द लगा होता तो अंग होते हैं तीन, वही यहां पर लिखेगा, इसलिए कहा गया है विधायिका के अंग के रूप में राष्ट्रपति संसद का एक अंग होता है। कैसे, एक तो हो गया राष्ट्रपति, दूसरा हो गया लोकसभा, तीसरा हो गया राज्यसभा। सर जी इसका मतलब क्या है और देखते हैं।
आपको पता होना चाहिए भारत देश के अंदर जब भी कोई बिल या विधेयक पारित होता है तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का होना बहुत आवश्यक होता है। यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता है तो वो बिल या विधेयक कभी भी किसी भी स्थिति में पारित नहीं माना जाता, मतलब पूर्ण रूप से लागू नहीं किया सकता है। इसीलिए यह संसद का क्या होता है, अंग होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई विधेयक राज्यसभा या लोकसभा कहीं से पारित हो सकता है, मान लेता हूं मैं लोकसभा से पारित हुआ, वो चला गया राज्यसभा, राज्यसभा से पारित हो गया, अंततः उसको कहां जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा, हस्ताक्षर, और जब वो हस्ताक्षर कर देगा तभी वह विधेयक कानून के रूप में देश में क्या किया जाएगा भैया, लागू किया जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा, संसद कितने अंग होते हैं, तीन, कौन कौन से, राज्यसभा, लोकसभा या राष्ट्रपति, तीनों अंग होते हैं। अब आते हैं हम लोग एक एक अनुच्छेद में जो हम लोग लिख रखे हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं कायदे से। पहला अनुच्छेद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट में अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या है, अनुच्छेद 52 में साफ साफ स्पष्ट किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब कुल मिला के इसको सीधे सीधे कहेंगे कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति पद होगा, तो ये किस अनुच्छेद में लिखा गया, अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कंडीशन एकदम क्या है, अप्लाई है क्या कि हमारे यहाँ एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक, किस अनुच्छेद में लिखा गया बेटा। अब आते हैं अनुच्छेद 53 में, आते हैं अनुच्छेद 53 में लिखा गया है, यही बात लिखी गई है जो मैंने ऊपर समझाया। क्या लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियां, संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी शक्तियां हैं वो समस्त का कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां सब किसमें, राष्ट्रपति में, और राष्ट्रपति उन शक्तियों का डायरेक्टली क्या करता है, प्रयोग करता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक कि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर देगा तब तक कि उस विधेयक को कभी भी पारित नहीं किया जाएगा या कुल मिला के उसे पूरी तरीके से लागू नहीं किया जाएगा। इसीलिए लिखा गया कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें होती हैं, राष्ट्रपति में। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट में अंतिम में कह सकते हैं हम लोग कि किसका हस्ताक्षर इंपॉर्टेंट है उसके लिए, राष्ट्रपति। इसी यहां लिखा गया है कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, ये किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 53, ठीक, आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में लिखा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये सभी राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या है, निर्वाचन मतलब उसका चुनाव। जब भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कुछ नियम कानून लागू होते हैं। नियम कानून में राष्ट्रपति के निर्वाचन में ध्यान रखिएगा कि कौन कौन भाग लेता है। सबसे पहले चीज इंपॉर्टेंट है, सर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया तो वैसे ही यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। बात क्लियर कुछ कुछ हो रही होगी, क्या हो रही होगी, मैंने जब उपराष्ट्रपति पढ़ाया पिछले लेक्चर तो मैंने कहा राष्ट्र उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग ले रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, ये कंडीशन अप्लाई है। दूसरा नंबर, राज्य सभा के सभी निर्वाचित सदस्य, इसका अर्थ क्या सर जी कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं कला साहित्य शिक्षा के क्षेत्र से मनोनीत होते हैं वो कभी राष्ट्रपति के चुनाव भाग नहीं लेते हैं, है, वो सिर्फ किसके वो किस किसके चुनाव भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव भाग लेते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव से कौन भाग लेगा, जो सिर्फ क्या हो रहे हैं, निर्वाचित हो रहे हैं। कुल मिला के इन्हें मतलब मनोनीत सदस्य कभी भी भाग नहीं लेते हैं, ना एग्लो इंडियन लेगा ना ही 12 सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। तीसरा नंबर, राज्य विधान सभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा का मतलब क्या हो गया, राज्य विधानसभा मतलब जितने भी हमारे विधायक होते हैं वो समस्त विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, में भाग लेते हैं, लेकिन कौन सदस्य, सिर्फ निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव भाग नहीं लेता।
ठीक, राज्यसभा के, राज्य के विधानसभा, विधान परिषद की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, बहुत लॉजिक समझिएगा। विधान परिषद कभी राष्ट्रपति के चुनाव भाग नहीं लेता, सिर्फ विधानसभा, मतलब कुल मिला के हमारे MLA जिसे कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है जो, उसी वही से भाग लेते हैं, MLC कभी भाग नहीं लेते हैं। क्लियर हो गया होगा, काउंसिल कभी भाग नहीं लेता है, ठीक ना। तो सब लोग क्लियर हो गया होगा, कौन लेंगे भैया हमारे यहाँ, सिर्फ विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ठीक। ये हम लोगों ने, ये पहले हमारे यहाँ जब पहली बार चुनाव हुआ तो ये लोग जब 1952 के चुनाव में सिर्फ लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये सभी के सभी एक साथ क्या लेते थे भाग। लेकिन आगे चल के हम लोगों ने क्या किया, आपने नाम सुना होगा सब लोगों ने, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम सुना होगा और पांडुचेरी का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा, दिल्ली व पांडुचेरी। जो दिल्ली व पांडुचेरी है, यहाँ के विधानसभा के सदस्य भी जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, यह भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेने लगे, भाग लेने लगे। कि संविधान संशोधन के तहत, 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत हमारा एक संविधान संशोधन कराया गया, 70, कौन सा संख्या नंबर 70, संविधान संशोधन शोधन कब कराया गया था, 1992। और इसी के तहत हम लोगों ने क्या किया कि दिल्ली व पांडुचेरी के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वह भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेने लगे भैया, भाग लेने लगे। क्लियर हो गया होगा। तो कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन में भाग लेते हैं, लोकसभा के सभी निर्वाचित, राज्यसभा के सभी निर्वाचित, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित, दिल्ली व पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, कब से, 70वें संविधान संशोधन 1992 से, 1992 के पहले नहीं लेते थे। क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्या, अनुच्छेद 55 पे। अनुच्छेद 55 कहता है निर्वाचन की रीतियां, राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या है कुछ रीतियां, ये रीतियां क्या क्या है वो समझाता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियों में सबसे पहले समझते हैं, इसको मैं साफ कर रहा हूं जगह, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियों में सब लोग ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन की रीतियों में का तात्पर्य यहां पर यह है, रीति का शब्द का अर्थ यहां यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुपातिक, पातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत संक्रमणी पद्धति के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष। ये क्या चीज है, यह आपको उपराष्ट्रपति मैंने समझाया था, मैं लेकिन फिर से याद दोहराऊंगा कि हमारे यहां जब भी उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कैसे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत समक्रमणी पद्धति के द्वारा, जिसको बोलते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष अनुपातिक रेशियो। इसका एक लेवल है, क्या है भाई, हम समझते हैं। हमने थोड़े पहले चर्चा चलाई कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित, ये कौन होते हैं, सांसद होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना भैया। विधानसभा सदस्य क्या होते हैं भैया हमारे यहाँ, वो सब के सब क्या होते हैं, विधायक होते हैं। ऐसे ही दिल्ली पांडुचेरी में भी क्या होते हैं, विधायक होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो जितने भी विधायक सदस्य हैं, ये सभी के सभी ध्यान रखिएगा, जितने भी विधायक सदस्य हैं, इन सब की एक वोट ऑफ वैल्यू होती है, क्या होती है भैया, वोट ऑफ वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। जो भी ये वोट ऑफ वैल्यू होती है, तो सभी लोग भैया ध्यान रखिएगा कि उसी वोट ऑफ वैल्यू के आधार पर ही राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव। मैंने आपको बताया होगा उपराष्ट्रपति पर किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनने के लिए 50+1% वोट की आवश्यकता होती है, वैसे यहाँ राष्ट्रपति बनने के लिए भी 50+1% वोट की आवश्यकता होती है, कुल मिला के 50 से अधिक वोटों की का होना इंपॉर्टेंट होता है, या 50% से अधिक वोट होने चाहिए। इसका यहाँ मतलब क्या है, मतलब यह है कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति चुनाव लड़े, मैं 100 वोटों में मान लेता हूं मैं चुनाव करा रहा हूं, इस 100 वोटों जब भी मैं चुनाव कराऊंगा तो इसके लिए दोनों के पास चुनाव जब भी होगा तो इसके लिए मान लेते हैं ए को हमने 51% या 50.6% मत दिलाए, तो बी को हमने 49.4% मत दिलाए। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास 50 से अधिक वोट है, बस वही व्यक्ति क्या जीतेगा भैया, राष्ट्रपति का चुनाव।
राष्ट्रपति का चुनाव कभी एक चरण में नहीं, कभी कभी एक से द्वितीय वरीयता तृतीय वरीयता में भी होता है, तो ध्यान रखिएगा एक चरण दो चरण में भी राष्ट्रपति चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव सदैव ध्यान रखिएगा कभी कभी एक चरण नहीं दूसरे चरण तीसरे चरण में भी चुनाव हो जाता है। तो जितने भी चरण बढ़ते हैं वो वोट ऑफ वोट जो होते हैं वो लगातार अगले चरण में जुड़ते चले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए वहां पर अगर पहले चरण में किसी व्यक्ति के मान लेते हैं हम लोग चार लोग सदस्य चुनाव लड़े हैं, किसी को 40 किसी को 40 किसी को 15 ऐसे मिले हैं, तो जब 15 होगा तो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे किसी को 50 नहीं मिले, तो हम लोग द्वितीय वरीयता का फिर से क्या कराते हैं, चुनाव कराते हैं, ठीक। और जब भी जिस समय किसी व्यक्ति को 50 से अधिक परसेंट मत मिलते हैं बस वही व्यक्ति राष्ट्रपति का क्या जीतता है भैया, चुनाव जीतता। तो इसके लिए कितने कितना वोट होना चाहिए, 50 से अधिक वोट का होना इंपॉर्टेंट होता है। यह क्या है, हमारी नीतियां, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहां समझते हैं कि जो वोट ऑफ वैल्यू निकल के आती है ये कैसे निकल के आती है, इसको मैं साफ कर रहा हूं, वोट ऑफ वैल्यू कैसे निकल के आती है। वोट ऑफ वैल्यू का निकालने का तरीका होता है जब भी हम लोग एक एमएलए का एमएलए की वोट वैल्यू निकालते हैं तो इसका तरीका क्या होता है, तो वोट वैल्यू निकालने का तरीका होता है राज्य की ध्यान रखिए चलो राज्य की जनसंख्या, यहां देख रहा हूं जनसंख्या कब से 1971 क्या बेटा 1971 ठीक। तो साथ ही साथ राज्य के निर्वाचित एमएलए गुणे 1/1000 ठीक। तो जरूर से ध्यान रखिएगा कितना होता है 1/1000 क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा बेटे, हम समझते हैं ये वोट वैल्यू निकालने का तरीका जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व में समझाया कि हर एक विधायक की हर एक सांसद की वोट ऑफ वैल्यू होती है। इसलिए क्या करेंगे जिस राज्य का निकालना है, मान लेते हम लोग यूपी का निकालते हैं, तो यूपी की जो 1971 में हमारी जनसंख्या थी उसको पहले रखेंगे, ये सदैव 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही व्यक्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा ठीक ना। उसके बाद राज्य के निर्वाचित एमएलए जितने भी उस राज्य में क्या है निर्वाचित एमएलए हैं उन सभी को यहां रखेंगे गुणा 1/1000 गुणा भाग करेंगे और उससे एक क्या निकल के आएगी, वैल्यू निकल के आएगी। इसका अर्थ यह है कि जब यूपी का एक एमएलए वोट डालता है तो इसका मतलब जो वोट ऑफ वैल्यू निकल के आई है वो वोट ऑफ वैल्यू क्या होगी भैया, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करी जाएगी, जोड़ी जाएगी। सबसे ज्यादा वोट ऑफ वैल्यू होती है उत्तर प्रदेश के एमएलए की, कितनी होती है बुआ, तो उत्तर प्रदेश के एमएलए की होती है 208 अंक। तो कोई पूछे सबसे ज्यादा वोट ऑफ वैल्यू किसकी होती है, तो उत्तर प्रदेश के एमएलए की होती है, कितनी होती है 208 अंक। सबसे कम कहां की होती है भैया, सिक्किम की होती है, कहां की होती है सिक्किम, और सिक्किम की होती कितनी है भैया 7। तो क्लियर हो गया होगा सबसे ज्यादा वोट ऑफ वैल्यू कहां की होती है भैया, तो उत्तर प्रदेश की होती है, कितनी होती है भैया तो 208 होती है, सिक्किम कितनी होती है 7। इसका अर्थ यह है कि यदि सिक्किम का एक विधायक वोट डालता है तो उसकी वोट ऑफ वैल्यू राष्ट्रपति में कितनी जुड़ेगी, 7 अंक जुड़ेगी। यदि यूपी का एमएलए वोट डालता है तो कितने अंक जुड़ेंगे, 208 अंक मिलेंगे। टोटल अंक होंगे जो ओवरऑल टोटल अंक होते हैं सांसदों का विधायकों का, उन अंकों में से जिस व्यक्ति को 50% से अधिक अंक मिल जाएंगे वही व्यक्ति क्या बन जाएगा, देश में राष्ट्रपति बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया क्या, किसका एमएलए निकालने का तरीका। अब हम लोग इसी जगह जब हम लोग किसके निकालते हैं भैया, साफ कर रहा हूं, जब हम लोग इसी जगह सांसद इसकी भैया सांसद की वोट वैल्यू निकालते हैं किसी याद रखो किसी सांसद की वोट वैल्यू निकाली, किसी भी सांसद की जब भी वोट वैल्यू निकाली जाती है तो उसका तरीका सिर्फ एक ही होता है, भारत के सभी ध्यान के भारत के सभी निर्वाचित एमएलए ध्यान रखेगा एमएलए मतलब कि ओवरऑल राज्यों के जितने भी एमएलए हैं उनके पूरे के पूरे एमएलए की संख्या रखेंगे यहाँ पर, पूरे ओवरऑल इंडिया के जितने भी एमएलए हैं, जितने हमारे यहाँ राज्य हैं, जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश नहीं बेटा सिर्फ राज्य, क्या उनके क्या रखेंगे निर्वाचित एमएलए की संख्या, उसके नीचे रखेंगे 543 प्लस 233 क्या होगा 543 और 233
बराबर 208। ये समझ गए होंगे मैंने इसकी क्या है, ये निर्वाचित। क्लियर हो रहा कुछ कुछ आप लोगों को? इसका अर्थ यहां पर ये है बेटा, ये क्या है, लोकसभा की सीटें। और ये जो लोकसभा की जो सीटें हैं, ये लोकसभा सीटें कितनी होती हैं भैया हमारे यहाँ, 545। उसमें दो क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन, उनको यहाँ पर ऐड नहीं करना है। क्या नहीं करना है, दो जो एंग्लो इंडियन है, मैंने कहा राष्ट्रपति चुनाव भाग नहीं लेते, उनको यहाँ ऐड नहीं करना है। लिखा 543। हमारे यहाँ राजसभा कितनी होती है, 245। 12 क्या होते हैं, हमारे कला साहित्य शिक्षा क्षेत्र से चुने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कितना लिखा गया, 233। और इसी के लिए आगे लिख दिया निर्वाचित। तो पूरे एमएलए को रखेंगे, जितने टोटल ऑफ एमएलए हमारे यहाँ, जितने भी ओवरऑल जितने राज्य हैं उनके जितने एमएलए उनकी संख्या रखेंगे, उसके हम रखेंगे यहाँ पर भैया क्या, 543 पूरे सांसद, 233 इन दोनों को ऐड करेंगे, बराबर कर देंगे 208 के। और जब 208 के बराबर कर दोगे तो हर एक सांसद की अपनी वोट ऑफ वैल्यू निकल कर चली आएगी। इस अब यहाँ भी प्रॉब्लम वही हो गया कि सबसे ज्यादा किस राज्य के सांसद की वोट वैल्यू ज्यादा होती है, तो उत्तर प्रदेश के सांसद की वोट वैल्यू सबसे अधिक होती है। पूरा भाग करेंगे निकल कर क्या हो जाएगा भैया, चलाएगा जाना के। तो क्या समझ गए होंगे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व में जो वोट वैल्यू रखी जाती है वो किस आधार पर रखी गई है। वहां पर जब एमएलए का चुनाव करते हैं तो क्या करेंगे, राज्य की जनसंख्या 1971 के अनुसार, नीचे क्या रखेंगे भैया हम लोग, पूरे एमएलए संख्या ध्यान रखिएगा, बराबर किसे करेंगे, 1/1000 करेंगे। जब हम लोग क्या करेंगे, सांसद को वोट वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सभी राज्यों के एमएलए, फिर नीचे क्या रखेंगे भैया हम लोग, भैया 543 लोकसभा की सीटें, 233 राज्यसभा की सीटें, उसके बाद किसके बराबर कर देंगे, 708 के गुणा भाग करेंगे, सांसद की वोट ऑफ वैल्यू क्या होगी भैया, निकल कर सामने चली जाएगी। क्लियर हो गया होगा कि निर्वाचन किस तरीके से होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसी में और कुछ ध्यान रखते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ता है तो उस चुनाव की क्या होती है, जमानत राशि होती है। क्या होती है, जमानत राशि। और जो जमानत राशि होती है वो कितनी होती है बेटा, 15,000 रुपए। इतनी किसकी होती थी, उपराष्ट्रपति की भी होती थी। तो हर एक व्यक्ति की, हर एक जो चुनाव अपने यहाँ होते हैं, हर एक व्यक्ति अपनी जमानत राशि होती है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब की जमानत राशि होती है, ध्यान रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति कितनी होती है, 15,000 रुपए। ये 15,000 रुपए कहाँ जमा किया जाते हैं, सिक्योरिटी मनी के तौर पर, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ये जनरल कैटेगरी है। यदि यहाँ पर कोई एससी या एसटी चुनाव लड़ता है राष्ट्रपति का, तो इसको आधा कर देते हैं, कितना कर देते हैं भैया, 7,500। क्लियर हो गया होगा। अगला इसी की रीति में पॉइंट ध्यान रखिएगा, हमारे जब भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसके नाम का अनुमोदन होता है और प्रस्ताव रखा जाता है। अनुमोदन और प्रस्ताव कितने कितने व्यक्ति रखते हैं, 50-50 व्यक्ति रखते हैं। तो जो अनुमोदन रखेंगे वो प्रस्ताव नहीं रखेंगे, जो प्रस्ताव रखेंगे वो अनुमोदन नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि जब भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा तो ऐसी स्थिति में उसके नाम का अनुमोदन और प्रस्ताव कितने कितने व्यक्ति रखेंगे, 50-50 व्यक्ति रखेंगे। तो आपको सबको रीतियां एकदम क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, क्या अनुच्छेद 56। अगला जो इसका आर्टिकल है अनुच्छेद 56, उस पर क्या रखा गया, कार्यकाल। क्या रखा गया बेटा, कार्यकाल। और जो हमारे यहाँ कार्यकाल है वो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो कोई पूछा लोगों से राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, कोई दिक्कत नहीं है। उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का ही होता है। तो कोई पूछे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो किसमें किया गया है, अनुच्छेद 56 में किया गया है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष। अब आते हैं भैया अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 कहता है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। इसका अर्थ यह है, अनुच्छेद 57 का अर्थ यह है, पुनः निर्वाचन की पात्रता का अर्थ यह है कि भारत में कोई व्यक्ति एक बार, दो बार, तीन बार राष्ट्रपति पद पर क्या हो सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। निर्वाचन कि भारत में कोई व्यक्ति जब भी राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया जाएगा तो इसके लिए वो एक बार, दो बार, तीन बार लगातार मतलब पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। लेकिन जब लोग इसे क्या अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव देखते हैं तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका यह होता है कि वहां पर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कितने बार, सिर्फ ओनली फॉर 2 बार, मतलब सिर्फ 2 बार क्या किया सकता है भैया, बनाया जा सकता है। क्लियर हो रहा होगा कि भारत में जब भी कोई राष्ट्रपति
के लिए पद पर नियुक्त होना होने के लिए पुनः निर्वाचन की जो पात्रता है वो ये कहने गया था। पुनः निर्वाचित निर्वाचन का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक बार दो बार तीन बार नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका से कितने बार होगा भैया, सिर्फ दो बार होगा। ध्यान रखिए, आप इसमें देख रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान में आगे क्या है राष्ट्रपति, इसके पहले बराक ओबामा जी रहे लगातार दो बार रहे, फिर उसके बाद उन्होंने चुनाव वहां पर निर्णय कितने से मान लेंगे सिर्फ दो बार, अपने यहाँ एक दो तीन लगातार निर्वाचित किया जा सकता है। ठीक, आगे समझते हैं, यह ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 58 पे आते हैं, अनुच्छेद 58 पे आते हैं तो अनुच्छेद 58 लिखा है निर्वाचन की योग्यताएं, योग्यताओं का अर्थ यहाँ अर्हता से क्या भैया, अर्हता जो हमारी योग्यताओं का अर्हता है वो अर्हता क्या है समझते हैं। पहली अर्हता क्या है सबको क्लियर होना चाहिए, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। तो भारत में यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसकी क्या पहली अर्हता है, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरा भैया 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो 35 वर्ष का क्या कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। तीसरी अर्हता लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना कि लोकसभा सदस्य हो, ये कंडीशन नहीं है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। पूरा। चौथी अर्थात क्या होनी चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, क्या हो गया, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया। और समझते हैं फिर से एक बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। अर्हता होना क्वालिफिकेशन, राष्ट्रपति पद की अर्हता क्या है, पहली चीज जो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरी अर्हता क्या है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यदि वह 34 वर्ष 11वां 25 दिन 26 दिन का भी है तो वो राष्ट्रपति पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए कंडीशन क्या अप्लाई होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु क्या होनी चाहिए भैया, पूरी की पूरी होनी चाहिए। अगली अर्थात क्या है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सिर्फ रखता हो, लोकसभा सदस्य हो ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा बोले तो सांसद, मतलब लोकसभा मतलब क्या होता है, सांसद होना चाहिए, कहां का, निम्न सदन का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कोई बोले कि निम्न सदन का सांसद ही राष्ट्रपति बनेगा तो ये कहना क्या है, गलत है। सिर्फ उसके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए कि यदि वो चाहे तो सांसदी का चुनाव भी लड़ सके, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली सी बात आपको पता होगा कि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो उसकी न्यूनतम में कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। जब भाई वो ऑलरेडी 35 वर्ष का है तो इसका मतलब है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रख रहा है, तभी यहां लिखा गया लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ना कि हो, क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगला पॉइंट लिखा लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद की जो व्याख्या की वो सुप्रीम कोर्ट ने की, क्वेश्चन कई बार पेपर पूछा गया है कि राष्ट्रपति के लाभ के पद का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है, तो इसका किसने किया भैया, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ध्यान रखिएगा। तो लाभ का पद क्या हो गया, वो किसी सरकारी मतलब की कुल मिलाकर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी भी मंत्री पद पर भी नहीं होना चाहिए, यही इसका क्या है, लाभ का पद, ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया होगा। तो क्या हो गया भैया, अर्हता में पहली अर्हता नागरिक, 35 वर्ष का पूरी, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ना कि हो, और लाभ का पद पर ना हो, यहां की कंडीशन है। एक क्वेश्चन बनता है, इनमें से कौन सा कथन राष्ट्रपति के लिए सही नहीं है, पहला नंबर वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही है। वो लोकसभा सदस्य हो, बस यही लाइन ध्यान रखें, लोकसभा सदस्य हो ऐसा नहीं है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता, चलिए लाभ का पद पर ना हो, इसकी व्याख्या किसने, सुप्रीम कोर्ट ने की है, सुप्रीम कोर्ट ने की है। चलिए अगला लिखा है अनुच्छेद 63, जिसको बोलते हैं पद की शर्तें। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है उसकी पद की शर्तें हैं, कैसे पद की शर्तें, बिल्कुल नॉर्मली भाषा समझिएगा। पद की शर्तों में मान लीजिए, मैं छोटे पहले यहां बताया वही चीज यहां पकड़नी आपको, पद की शर्तों में ये लिखा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो पहली कंडीशन वो कभी सांसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि सांसद होगा तो कहीं ना कहीं लाभ के पद पर है। वो किसी राज्य में विधायक या विधानसभा सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानसभा सदस्य नहीं होना चाहिए, तो सांसद भी नहीं होना चाहिए, ना वो लोकसभा से हो, मतलब लोकसभा सदस्य नहीं होना चाहिए, ना कोई सांसद या कोई मंत्री कभी भी राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा, ये शर्त है ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात क्या लिखा है, विधानसभा मतलब कोई भी विधायक भी क्या नहीं बनाया जाएगा, राष्ट्रपति बनाया नहीं जाएगा, यही क्या है भैया, अनुच्छेद 59 बताया गया पद की शर्त है, क्लियर हो गया होगा। ठीक, मैं इसको साफ करता हूं, अनुच्छेद आता है हमारा कौन सा, 60, आर्टिकल जो अनुच्छेद 60 है वो यहाँ इस जगह लिखा हूं, अनुच्छेद 60 में बताया गया है शपथ, क्या शपथ,
जो हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है वो कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 60 में। ध्यान रखिएगा, उसको शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसे मैं बात बताऊंगा, कहते हैं राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो त्याग पत्र सदर देता है वो उप राष्ट्रपति को। क्या हुआ कि वो त्याग पत्र किसे देता है? जाके उपराष्ट्रपति को। क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहा है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वो अपना त्याग पत्र किसे दे रहा है? उपराष्ट्रपति को। अच्छा, यहाँ पे एक लॉजिक का क्वेश्चन है। जो उपराष्ट्रपति होता है जब उसे त्याग पत्र राष्ट्रपति देता है तो वो इस बात की सूचना सबसे पहले किसको बता देता है? तो सबसे पहले इस बात की सूचना देगा लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देगा बेटा? इस बात की सूचना सबसे पहले किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो हम लोगों ने कौन कौन सा आर्टिकल्स यहाँ पर पढ़ लिया अभी राष्ट्रपति में? ध्यान रखिएगा 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 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
त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। इस बात की सूचना वो किसको देगा? तो सबसे पहले सूचना देगा जाके लोकसभा के अध्यक्ष को। क्लियर हो गया होगा? ठीक। एक अनुच्छेद होता है 61, कौन सा आर्टिकल होता है? 61 अनुच्छेद, मैं यहां लिख दे रहा हूं अनुच्छेद 60। ठीक, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 लिखा गया महाभियोग। ये क्या चीज है? ठीक, अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख है। यह क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति को जब भी उसके पद से हटाते हैं तो इसके लिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग प्रक्रिया। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? 61 में किया गया है। तो कोई पूछे राष्ट्रपति को जब भी उसके पद से हटाया जाएगा तो इसके लिए किस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है? महाभियोग प्रक्रिया की क्या होती है भैया? आवश्यकता होती है। इसका उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 61 में किया गया। महाभियोग प्रक्रिया कहां लाई जाती है? संसद में लाई जाती है। इसको आप चाहे पहले लोकसभा लेकर आ जाओ, चाहे पहले आप राज्यसभा लेकर जाओ, इसके लिए कोई भी इंपॉर्टेंसी नहीं है कि पहले कहां आएगा। पहले वो लोकसभा भी आ सकता है, पहले वो लोकसभा भी आ सकता है, पहले वो राज्यसभा भी आ सकता है। ठीक, जिस सदन में प्रस्ताव रखा जाता है, बहुत समझिएगा महाभियोग प्रक्रिया है क्या, जिस सदन में प्रस्ताव रखा जाएगा उसके 1/4 सदस्य इसके नाम का क्या रखेंगे? नाम का प्रस्ताव रखेंगे। तो कितने सदस्य के नाम का प्रस्ताव रखते हैं? 1/4 सदस्य। ऐसा करने के कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाता है? तो ऐसा करने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इस बात की सूचना दे दी जाती है कि आपके खिलाफ क्या लाया जा रहा है? महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब भी महाभियोग प्रस्ताव आ जाता है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के कुल सदस्य या उपस्थित 2/3 सदस्य उसके नाम, जिस सदन में प्रस्ताव मान्य लोकसभा लाया गया, किसी सदन में, मैं बताया थोड़ी पहले कि महाभियोग प्रस्ताव चाहे लोकसभा लेकर आओ चाहे राज्यसभा लेकर आओ, जिस सदन लेके जो प्रस्ताव आएगा उसके कुल सदस्य या उपस्थित 2/3 सदस्य उसके नाम को क्या करेंगे? प्रस्ताव को पारित करेंगे। तत्पश्चात ये कहां जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा। जब ये दूसरे सदन में जाता है तो उसके पहले राष्ट्रपति को उसकी सफाई का क्या दे दिया जाता है? मौका दिया जाता है। मतलब आप अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मौका दिया जाएगा। यदि आप उस मौके को देखते हुए अपनी सफाई देने में समर्थ होते हैं तो ऐसी स्थिति में महाभियोग प्रस्ताव क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन यदि सफाई नहीं दे पाते हैं और दूसरे सदन के कुल सदस्य या उपस्थित 2/3 सदस्य इसका प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को उसके पद से क्या कर दिया जाता है बेटा? हटा दिया जाता है। लेकिन आज तक की भारत में कोई भी राष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रस्ताव नहीं चलाया गया है। क्लियर हो गया? फिर समझते हैं एक बार, अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग प्रस्ताव। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाएगा? महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से। महाभियोग प्रस्ताव कहां लाया जाता है? चाहे आप लोकसभा लेकर आओ चाहे आप राज्यसभा लेकर आओ, जिस सदन में रखा जाएगा उसके 1/4, मैं लोकसभा का लेकर आ तो भी 1/4, राज्यसभा लेकर आ तो भी 1/4 सदस्य उसके नाम का क्या रखेंगे? प्रस्ताव। ठीक, जब भी यह प्रस्ताव रखा जाएगा तो ध्यान रखिएगा इस प्रस्ताव के आने के 14 दिन पहले, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इस बात की क्या दे दी जाएगी? सूचना। सूचना होने के बाद ध्यान रखिएगा जिस सदन में प्रस्ताव रखा गया है उसके कुल सदस्य या उपस्थित सदस्य उसे क्या करेंगे भैया? पारित करेंगे। उसका इसको भेजा जाएगा दूसरे सदन में,
दूसरे सदन में जाने के पहले राष्ट्रपति को उसके सफाई का क्या दिया जाएगा, मौका कि अपने बारे में अपने आप को बचाव में क्या कहना चाहते हैं। यदि वो बचाव न कर ले जाता है तो महाभियोग प्रस्ताव क्या कर दिया जाता है, खारिज। लेकिन यदि दूसरे सदन में नहीं खारिज हो पाता है और दूसरे सदन में अगर ये बिल पुनः पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। लेकिन आज अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रस्ताव नहीं चलाया गया है। यहाँ से इस टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, जितने भी आर्टिकल्स थे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 61 तक की, इसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा का पूरा हम लोगों ने इसको बहुत कायदे से एक तरीके से समझा है। आप सभी लोग इसको एक बार फिर से रिपीट करके फिर से एक बार दो बार देखेंगे वीडियो, आपको हमारी चीज क्लियर होती जाएगी। यहाँ से हम लोग इस टॉपिक को यहाँ से क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इसको हम लोग भी लेक्चर 1 के रूप में देखेंगे, इसका अगला एक लेक्चर 2 भी अभी हमें बनाना है। उस लेक्चर 2 के माध्यम से हमें राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और बातें उनको समझना है। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने सक्षम कंपटीशन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर दिया है बहुत अच्छी चीज है, जो लोग नहीं डाउनलोड करे हैं वो लोग डाउनलोड करके एजुकेशन से संबंधित जानकारी प्राप्त करें। साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, बेल आइकन्स में बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनकी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहे। जय हिंद, जय भारत।